दुष्ट बेटा बना पत्थर और जादुई पेड़ ने की माँ की रक्षा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर और शेरनी बहुत ही दयालु थे। शेर और शेरनी जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते थे। शेरनी गर्भवती थी। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही खुश थे। शेर और शेरनी एक जादुई मणि की रखवाली कर रहे थे। इस बात का पता सिर्फ शेर और शेरनी को ही था। वो दिन आ ही जाता है जब शेरनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसे देख शेर और शेरनी बहुत खुश होते हैं। सारे जानवर शेर और शेरनी को बधाई देते हैं। शेरनी, तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है। बड़ा होकर महाराज की तरह ये हम सबकी रक्षा करेगा। हाँ हाथी, सही कहा तुमने। हमारा बेटा आगे जाकर एक नेक दिल और ताकतवर राजा बनेगा। आज से इसका नाम रुद्र होगा। यूं सब बहुत खुश थे। जैसे जैसे रुद्र बड़ा होता गया, वो बहुत ही घमंडी और निर्दयी बनता गया। वो कभी भी किसी की भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन रुद्र जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर घायल हुए हिरन पर पड़ती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरे पैरों में मोच आई है। रुद्र हिरन को देखकर भी अनदेखा करके वहां से जा रहा था। ये देख हिरन कहती है, रुद्र मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आई है। क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे ओ हिरन, मैं इस जंगल का होने वाला राजा हूँ। इन सारे आलतू फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फिर कभी मुझे रोककर ऐसी बकवास की ना तो तुम्हारी खैर नहीं। यूं रुद्र बोल ही रहा था कि वहाँ शेर आता है। वो रुद्र की बातें सुन लेता है। रुद्र, ये कोई तरीका है किसी मुसीबत में पड़े जानवर से पेश आने का? चलो माफी मांगो हिरन से। क्या कहा, मैं और हिरन से माफी? ये हो ही नहीं सकता। मैं इस जंगल का होने वाला राजा हूँ और मैं इस हिरन के सामने माफी नहीं मांगूंगा। मैं चला। रुको रुद्र, रुको, शेर चिल्लाता रहा, पर रुद्र शेर की एक नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है। तब शेर हिरन से कहता है, हिरन, रुद्र की बातों का बुरा मत मानना। अभी वो छोटा है, उसे अच्छे बुरे का बिल्कुल भी पहचान नहीं। यूं शेर बोल रहा था कि शेर की नजर हाथी पर पड़ती है। वो हाथी को बुलाकर हिरन को उसके घर पहुंचाने को कहता है। हाथी हिरन को उसके घर ले जाती है। शेर अपनी गुफा की ओर जाता है। शेर अपनी गुफा में जाकर शेरनी से कहता है, शेरनी, रुद्र दिन ब दिन बहुत ही घमंडी होता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे जाकर बड़ी मुसीबत होगी। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, वो अभी छोटा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। शेरनी की ममता अपने बेटे के घमंड को देख नहीं पाती। वक्त के साथ साथ रुद्र बड़ा होता गया और साथ ही साथ उसका घमंड भी। रुद्र इतना निर्दयी हो गया था कि वो अच्छे बुरे की पहचान ही खो बैठा था। वो जब चाहे तब जानवरों का शिकार करता था। शेर और शेरनी रुद्र को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उनकी वो एक नहीं सुनता। एक दिन शेर शेरनी से कहता है, शेरनी, रुद्र इस जंगल का राजा बनने के लायक नहीं रहा, वो बहुत ही निर्दयी हो गया है। हाँ महाराज, मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी। उसकी सारी गलतियों को मैंने नजरअंदाज कर दिया था। ये सब मेरी ही गलती है। देखो, तुम अपने आप को यूं दोष मत दो। अब आगे क्या करें ये सोचो। हमें जानवरों के साथ साथ मनी के बारे में भी सोचना है। हाँ महाराज, आपने सही कहा। ये जंगल हमारा परिवार है। किसी भी हाल में रुद्र के हाथ वो मनी नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। यूं शेर और शेरनी बातें कर रहे थे कि गुफा के बाहर खड़ा रुद्र उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो झट से शेर और शेरनी के पास जाकर कहता है, मनी, कैसा मनी? आप दोनों किस मनी के बारे में बात कर रहे हो? तुमसे मतलब? देखो रुद्र, तुम यूं जानवरों पर जुल्म करना छोड़ दो। तुम जंगल के होने वाले राजा हो,
अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं किसी और को इस जंगल का राजा बना दूंगा। अच्छा, तो बात यहां तक आ गई कि आप अपने बेटे को छोड़कर किसी और को राजा बनाने की सोच रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। यह सुनकर शेरनी को बहुत गुस्सा आता है। रुद्र, ये कोई तरीका है अपने पिता से बात करने का? चलो माफी मांगो अपने पिताजी से। रुद्र शेरनी की बात को अनसुना कर वहां से चला जाता है। शेर और शेरनी रुद्र के बर्ताव से उदास हो जाते हैं। वही रुद्र बार बार अपने मन में मणि के बारे में सोच रहा था। मुझे कुछ भी करके उस मणि को हासिल करना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने माँ बाप को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। अगले दिन रुद्र शेर को अकेला पाकर, पिताजी अगर आप चाहते हो कि मैं जानवरों को तंग ना करूं, तो आप मुझे वो मणि दे दो। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर वो मणि तुम्हें नहीं दूंगा। रुद्र नफरत की आग में अंधा हो गया था। वो शेर पर हमला करता है। शेर बूढ़ा होने की वजह से रुद्र की ताकत को झेल नहीं पाता। वो घायल होकर नीचे गिर जाता है कि तभी वहाँ शेरनी आती है। रुद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे पिताजी है। अच्छा, तो फिर इनसे कहो कि वो मणि मुझे दे दे। बेटा रुद्र, तुम पागल हो गए हो, छोड़ दो अपने पिता को। शेरनी, तुम यहाँ से चली जाओ। पर महाराज, तुम मेरी चिंता ना करो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर शेरनी वहाँ से भागने लगती है। रुद्र भी अपनी माँ का पीछा करता है। माँ रुक जाओ, अगर वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे पति को। यूं रुद्र शेरनी के करीब पहुँचने ही वाला था कि शेरनी एक पेड़ के पास जाकर गिर जाती है। वो पेड़ एक जादुई पेड़ था जिस पर जादुई मणि लगी हुई थी। ये वही मणि है जिसकी रखवाली शेर और शेरनी करते थे। रुद्र शेरनी पर हमला करने ही वाला था कि उस जादुई पेड़ में से एक सुनहरी रोशनी आती है। वो रोशनी जैसे ही रुद्र पर पड़ती है, रुद्र एक पत्थर में बदल जाता है। घायल शेर शेरनी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। पेड़ की सुनहरी रोशनी शेर और शेरनी पर पड़ते ही उनके घाव ठीक हो जाते हैं। शेर और शेरनी जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं। जंगल के सारे जानवर ये देखकर खुश हो जाते हैं। शेर और शेरनी उदास थे, पर जानवरों की खुशी के आगे वो भी अपने आप को संभाल लेते हैं। जादुई विशाल चाबी, शेर के बच्चे का पुनर्जन्म और काला चीता। एक बार की बात, जंगल के राजा शेर और शेरनी बहुत ही दयालु थे। उनका एक बेटा था सिम्बा। शेरनी सिम्बा को जंगल के कानून और दुश्मनों से लड़ने के तरीके सिखाती थी। शेर और शेरनी सिम्बा से बहुत प्यार करते थे। शेर और शेरनी के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। शेर और शेरनी एक जादुई विशाल चाबी की रखवाली करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला बगीरा नाम का काला चीता आता है, जो उस विशाल जादुई चाबी को हासिल करना चाहता था। वो उस विशाल चाबी को पाकर अपनी शैतानी शक्तियाँ और भी मजबूत करना चाहता था। वो जंगल में आते ही अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल में दहशत मचाने लगता है। वो जानवरों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने लगा। उसे देख जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये देख बगीरा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भागो भागो, जितना भागना चाहते हो उतना भागो, पर तुम में से कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा जब तक कि वो जादुई चाबी मुझे नहीं मिल जाती। यूं वो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों पर हमला कर रहा था। वो ना तो बच्चों को छोड़ रहा था और ना ही बड़ों को। जो रास्ते में आता उसका शिकार करता। जानवर डर के मारे राजा शेर के पास मदद के लिए जाते हैं। महाराज महाराज, रक्षा कीजिए, एक बेरहम शैतानी शक्तियों वाला बगीरा नाम का काला चीता जंगल में आया है, जो बड़ी ही बेरहमी से हम सबको मार रहा है। वो उस विशाल चाबी को हासिल करने जंगल में आया है।
महाराज उसकी शैतानी शक्तियों के सामने ना तो बड़े रुक पा रहे हैं और ना ही बच्चे। जंगल जंगल नहीं बल्कि शमशान बन गया है। हमें बचा लीजिए महाराज। यूँ सारे जानवर एक के बाद एक रोते हुए अपनी और अपने बच्चों की गुहार लगाते हैं, जिसे देख शेर और शेरनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो तुम सब हिम्मत से काम लो, मैं उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूँ शेर और शेरनी दहाड़ मारते हुए बघेरा के पास जाते हैं। अरे ओ बघेरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जानवरों पर जुल्म उठाने की? लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये सुनकर बघेरा कहता है, अरे ओ चूजे, लगता है तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज को चूहा कहने की? वैसे भी ऐसी शक्तियाँ किस काम की जो मासूम जानवरों पर कहर उठा रही हो? कोई मुझे नसीहत दे, ये मुझे पसंद नहीं है। बहुत हो गई तुम दोनों की बदबक, अब देखो मेरी शक्तियों का कमाल। यूँ शेर शेरनी और बघेरा के बीच लड़ाई होती है। बघेरा की शैतानी शक्तियों के सामने शेरनी और शेर कमजोर पड़ जाते हैं। शेर और शेरनी घायल हो चुके थे। ये देख शेर बघेरा से कहता है, बघेरा हम तुम्हें वो चाबी देंगे बस एक शर्त पर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? हम उस जादुई चाबी को सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के ही दिन छू सकते हैं। हम उस दिन तुम्हें वो चाबी दे देंगे। जैसे ही तुम्हें वो चाबी मिलेगी, तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। देखो मुझे किसी के शर्तों पर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं। और हाँ, जब तक तुम लोग मुझे वो चाबी नहीं देते, तुम्हारे बेटे को अपने पास रखूंगा मैं। ये कहकर बघेरा वही पास में खड़े सिम्बा को अपने मुंह में पकड़ लेता है। छोड़ दो मेरे बेटे को, वो मासूम है, उसे छोड़ दो। बघेरा शेरनी की एक नहीं सुनता है और उसे अपने मुंह में पकड़ ले जाता है। ये देख शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज हमारे सिम्बा को बचा लीजिए, वो राक्षस पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या सलूक करेगा। शेरनी अपने आप को संभालो, हम सिम्बा को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ शेरनी, हाथी सही कह रही है, हम अपनी जान दे देंगे पर सिम्बा को खरोच तक नहीं आने देंगे। देखो शेरनी, जब तक वो चाबी उस राक्षस को नहीं मिलती, वो हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। तुम हिम्मत से काम लो। सारे जानवर शेरनी को हिम्मत दे रहे थे। वही दूसरी ओर बघेरा सिम्बा को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। वो ना तो उसे खाना देता है और ना ही पानी। सारा दिन बीत जाता है। बेचारा सिम्बा भूख और प्यास के मारे तड़प रहा था। ये सब वही छुप कर सिम्बा पर नजर रखे लोमड़ी और हिरन देख परेशान हो जाते हैं। लोमड़ी लोमड़ी बहन, बेचारा सिम्बा भूख और प्यास के मारे तड़प रहा है, अब हम क्या करें? कुछ भी करके सिम्बा को बचाना होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो मौके का इंतजार कर रहे थे कि सिम्बा को बघेरा के चुंगल से छुड़ा सके। बघेरा की आंख लगती है, हिरन चुपके से सिम्बा के पास जाने की कोशिश करती है, पर वो एक पत्थर से टकराती है और नीचे गिर जाती है। वहाँ हुई आहट से बघेरा की आँख खुल जाती है। वो हिरन को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ हिरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। बघेरा हिरन पर हमला करने ही वाला था कि लोमड़ी वहाँ आ जाती है, हिरन को धक्का देती है, लोमड़ी घायल हो जाती है। बघेरा इतना बेरहम था कि वो हिरन और लोमड़ी दोनों का शिकार करता है। ये देख सिम्बा डर के मारे रोने लगता है। जब ये बात शेर और शेरनी और बाकी के जानवरों को पता चलती है तो वो सब हिरन और लोमड़ी के लिए आंसू बहाने लगते हैं। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ ही जाता है। शेर शेरनी और बाकी जानवर जादुई चाबी के पास जाते हैं। वो चाबी एक बहुत ही बड़े जादुई दरवाजे की थी जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही खुलता था।
बगीरा भी सिम्बा को लेकर वही आता है। बिना खाने और पानी के सिम्बा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे ही चांद की रोशनी उस चाबी पर पड़ती है, वो चाबी चमकने लगती है। ये देख बगीरा खुश हो जाता है। शेर वो चाबी निकाल कर बगीरा को देता है। बगीरा चाबी लेने की कोशिश में सिम्बा को उठाकर दूर फेंक देता है। सिम्बा एक पत्थर से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख शेर, शेरनी और जानवर एकदम से सहम जाते हैं। इधर बगीरा उस चाबी से उस विशाल दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो उस दरवाजे में जाता है, एक बड़ा सा सांप उसे जकड़ लेता है और ढेर सारे बिच्छू उस पर चढ़कर उसे डंक मारने लगते हैं। बगीरा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता। वो मारा जाता है। वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तब उस विशाल जादुई चाबी में से आवाज़ आती है, शेर, शेरनी, ये दरवाज़ा सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही खुलता है। जितनी भी शैतानी शक्तियाँ इसमें आने की कोशिश करेगी, उनका अंजाम यही होगा। तुम अपने बेटे सिम्बा की चिंता ना करो, मैं उसे अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देती हूँ। यूँ वो जादुई विशाल चाबी अपनी जादुई शक्तियों से सिम्बा को पुनर्जन्म देती है। ये देख शेर, शेरनी और बाकी के जानवर खुश हो जाते हैं। शेर, शेरनी जादुई चाबी का धन्यवाद करते हैं और फिर से जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती है।